जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माँ, हे माँ, ये कौन से जन्म का तू बदला ले रही है? चाहे तो मुझे उठा ले या मेरा जीवन सुधार दे माँ। अब मैं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं रही है माँ तुम बर्दाश्त करने की। या मुझे तू अपने पास बुला ले माँ, या मेरे शरीर के तक ठीक कर दे। मेरे में हिम्मत नहीं रही है तुम बर्दाश्त करने की। क्या हो गया? सुबह सुबह रोना पीटना शुरू कर दिया। बेटा ये मेरा पानी फैल गया, एक गिलास पानी ला दे। अभी अभी मैंने यहाँ पोछा लगाया था, फिर पानी घेर दिया। यही करती रहूंगी मैं क्या? के खावे तू सुबह सुबह, जो प्यासी मरी रहे। क्या महाभारत है सुबह सुबह? बेटा मैं पानी ले उठी, मेरे हाथ से पानी ना उठा, ये फैल गया। एक गिलास पानी मांगा था बेटा। माँ देख के उठा लेती, सारा पानी बिखेर गया। इसे कितने काम रहे मैं, तू तो हद कर रहे बस। बेटा अगर मेरा हाथ से ही होता मैं पानी गिराती क्या? ये तुमसे मांगती मैं खुद ही लेके पी लेती बेटा। आज तू मेरे पास बैठ बेटा, तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ। अरे माँ मैं वैसे ही टूटी को लेट हो रहा हूँ, ले बता क्या बात है, बैठ गया। बेटा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी वक्त मेरा था, आज वक्त तुम्हारा है। माँ बाप की सेवा ना सबसे बड़ी सेवा होती है बेटा। माँ सुबह सुबह क्या उद्देश्य देने लगी, मैं ड्यूटी को वैसे ही लेट हो रहा हूँ। इसे पानी दे दे और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, इसने तो रोज का ड्राम बना रखा। बेटा कल से माता रानी के नवरात्र शुरू हो जाएंगे, मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है बेटा, जो मैं पूजा की थाली तैयार कर लूंगी। तुम मेरी पूजा की थाली तैयार कर देगी बेटा, मैं माता रानी की पूजा कर लूंगी। मेरे बस की नहीं है ये नौटंकी, जो करना है ना अपने भरोसे कर, समझ में आई? तू मेरी कैसी परीक्षा ले रही है माँ? मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तेरे नवरात्र की पूजा करना कभी नहीं छोड़ूंगी माँ, कभी करना नहीं छोड़ूंगी, जैसे माँ तेरी मर्जी। अरे बेटा। अरे पापा आप तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ। मम्मी ठीक है? हाँ बेटा मम्मी ठीक है तेरी। और परेशान कैसी लग रही बेटा? कुछ नहीं बेटा, तुझे बताना पड़ेगा। क्या बताऊँ पापा, मैं अपनी सास से दुखी हूँ। एक तो घर का काम करो और ऊपर से उसका काम करो, क्या क्या करूँ मैं? बात तो सही कह रही है, छोड़ दे वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में तो छोड़ देती पापा, लेकिन राहुल तैयार नहीं होने के ना। काम ऐसे होते हैं जो खुद करने पड़ते हैं। ना पापा कुछ और देखूंगी, आप बताओ आप कैसे आए? इसलिए चलाया मैं तेरे पास। पापा शराब थोड़ी कम पिया करो, मुझे पता है पैसे चाहिए आपको। बेटा मैं ज्यादा ना पीता, सिर्फ एक क्वार्टर पीऊं मैं, अब थोड़े पैसे दे दे। नहीं बेटा अभी तेरा पापा जिंदा है,
कोई परेशानी हो तो बता दियो मुझे। ठीक है अब मैं चल रहा हूँ बेटा। सास का क्या करूँ, परेशान कर दिया इसने मुझे। आज तो इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना कल फिर से परेशान करेगी। मम्मी मम्मी लो दही खा लो। मेरे लिए? हाँ मम्मी, मैंने सोचा ना कल से आपका व्रत है तो आज आपको दही दे दूँ। लो। बेटा कर तू इतने चिंता कर, मुझे दुखी किस बात का? क्या हुआ मम्मी? ठीक है आप सो जाओ। अब तक तो चल बसी होगी बुढ़िया, नौटंकी भी तो करनी है, क्रियाक्रम की तैयारी भी करनी है। राहुल को फोन कर लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक बार देख आऊं पहले। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा जो तूने वो दही खिलाई ना उसे खाकर तो मेरे हाथ पैरों में जान सी आ गई। बेटा अगर एक कप चाय बना के ला दे तो मेरे और जान सी आ जाएगी। ठीक है मम्मी लाती हूँ। सवेरा हो गया, ए माता रानी आज तेरा पहला नवरात्र है, पहले नहा लेती हूँ फिर पूजा करूंगी माता रानी। माता रानी राहुल बेटा। हाँ माँ। एक बार मुझे बात उत्तर छोड़िया। माँ मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, जोई को कहते वो कर देगी। ऑफिस का काम करूँ या घर का काम करूँ, क्या क्या करूँ, परेशान हो गया मैं तो। बेटा सुन तो, बहू ए बहू। हाँ मम्मी क्या हुआ? बेटा मुझे बाथरूम तक छोड़िया, मेरे में हिम्मत सी नहीं हो रही। अरे मम्मी मैं सब्जी रख के आई हूँ, गैस पे उजल जाएगी मेरी, आप खुद चले जाओ। हे माँ तू मेरी कैसी परीक्षा ले रही है, पर मैं भी माँ जब तक तेरी पूजा नहीं करूंगी पानी भी नहीं पीऊंगी। माँ जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी। पहचाना नहीं? नहीं, मैं मौसी, राहुल की मौसी। अच्छा, आई। अरे पूजा, आज कौन? तूने भी नहीं पहचाना? चलो कोई बात नहीं, जान पहचान तो होती रहेगी। आ अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं। और बता कैसे नखरे से में बैठी है? कुछ नहीं, पहले तो तुम्हारी माँ को झेल ली थी, एक बुढ़िया और आ गई, कोई तुम्हारी मौसी बता रही है। पर मेरी मौसी तो कोई है ही नहीं। अब होगी, जब ही तो आई है। होगी, कोई बात नहीं, आई है चली जाएगी, मैं बाहर से खाने का अरेंजमेंट कर दूंगा, तू चिंता मत करे। एक दिन ही तो मंगाओगे बाहर से, पता नहीं कब तक रुकेगी। अरे कोई बात नहीं, चली जाएगी, आइए, तू टेंशन मत ले, एक गिलास पानी लिया। ठीक है लाती। पर पापा ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि हमारी कोई मौसी भी है। जय माता दी। अरे अरे पूजा का सारा सामान, पूजा करनी है ना, पूजा का सामान तो लाना पड़ेगा ना, कर ले पूजा माता रानी। बेटी दूध तो लाना पड़ता, माता रानी का उपवास रखा है ना, पी ले।
अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा मैं आ गया। पापा जी नमस्ते। पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लो पापा जी पानी। ठीक है बैठ। और मम्मी ठीक है तेरी? हाँ वो ठीक है, उनके उपवास चल रहे हैं नवरात्रों के। हाँ हाँ सही कह रही है, उपवास करते हो तो चलो खाना वाना ठीक दे रहे हो तो मुझे फल फ्रूट वगैरह सब। हाँ अच्छा। और राहुल? राहुल काम पे गए हैं। पापा जी वो काम हो गया जिसके लिए आप गए थे? अरे बेटा होता कैसे नहीं, पूरे 10 लाख की डील थी, 3 साल बाद मौका मिला ऐसा। ठीक है जो मेरे हिस्से का पैसा बना अपना लेके आ गया मैं। ठीक है पापा, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा तेरी मम्मी का उपवास चल रहा है, ठीक है अभी वैसे मेरी इच्छा भी नहीं है खाने की, एक बार तेरी मम्मी से मिल लेता हूँ पहले। ठीक है आप मिल लो। पूजा, अजी आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, और सब ठीक है घर में? हाँ जी सब ठीक है। बच्चे सेवा कर रहे हैं? अजी बच्चे क्या सेवा करते, बच्चे तो मुझे एक गिलास पानी देने में भी दुख मानते हैं। क्या कह रही है तू, ये एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे? और वो बता रही थी जूही की उपवास रख रखे है तूने? हाँ जी मेरा उपवास है माता रानी। चल बात तो तेरी अपनी जगह ठीक है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, पर राहुल, राहुल भी नहीं कुछ कर रहा तेरे लिए? अजी पूछो ही मत, ये औलाद कलयुग की है, जब तक मेरा शरीर ठीक था बस जब भी था जो कुछ था, अब तो कुछ ना है, अब तो बस मेरी माता रानी करेगी जो भी करेगी। अरे पूजा तू चिंता मत कर, आन दे आज राहुल को, मैं समझाता हूँ उसे, बाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था कि तेरी सेवा भी ना करे। अरे बड़े सपने थे हमें कि हमारा राहुल बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, हमारी सेवा करेगा, वो तो शुक्र है मैं अपना काम कर रहा हूँ, हैं मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, वरना ये तो हमें एक एक टुकड़े के लिए तरसा देंगे। आन दे आज इसकी खैर नहीं। अजय आप इतना गुस्सा मत हो, मैं बहुत ठीक हूँ, एक मेरी बहन आई है बड़ी सेवा करती है मेरी। तेरी तेरी बहन कौन सी? अजी जानती तो मैं भी उसे ना, कोई दूर की बताती है कि मैं तेरी बहन हूँ, मेरी भी समझ में ना आई ना मेरी पहचान में आई वो। अच्छा पर वो सेवा कर रही है तेरी? हाँ जी मेरी बहुत सेवा कर रही है। जबकि तू जानती तक नहीं है वो सेवा कर रही है? अजी कोई इतना कोई तो रिश्ता है तभी तो आई है वो। सही कह रही है तू। लो जी आ गई है। जय माता दी। जय। बड़ी खुशी हुई पूजा ने जब आपके बारे में बताया, मेरी गैर मौजूदगी में आपने इनकी इतनी सेवा की, मैं आपका एहसान भुला नहीं सकता। ही मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जय माता दी। जय माता दी। पूजा मेरी समझ में बात नहीं आई, कौन हो सकती है ये? पर पूजा चलो जो भी है, पर है भली औरत। हाँ जी जो भी है पर मेरी खूब सेवा कर रही है। चलो कम से कम इसने तो तेरी सेवा की। हेलो क्या फैक्ट्री में आग लग गई? पर कैसे? क्या हुआ जी? कुछ नहीं बचा, फैक्ट्री में आग लग गई। पर कैसे? पता नहीं वो शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद। अब क्या करूं मैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है।
कुछ नहीं, एक बार पिताजी से बात करते हैं। चलो पिताजी। क्या बात है पिताजी? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। फैक्ट्री में आग लग गई? फैक्ट्री में कैसे आग लग गई? पता नहीं पिताजी, वो शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। पिताजी मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं दोबारा काम स्टार्ट कर सकूं। कहां तक पैसे दूं मत, ये जब भी देखो हर बात पैसे पैसे। पिताजी पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार सोच लो। जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते ना, उनके साथ ऐसे होता है। अब देख भुगत अपने खामियां। देखो पिताजी पहले ही इतना सारा कर्ज हो रहा है, अब तक पैसे कहां से, क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं पिताजी। अब जा तू, सुबह बात करूंगा मैं तेरे से। एक बार सोच लेना। जा सुबह देखता हूं। यही होता है जो माँ बाप की इस तरह से अवहेलना करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। फिर पैसा दो, फिर पैसा दो। इस लड़के ने पता नहीं क्या सोच रखा है। तुम्हारा बेटा है ना, जैसा भी है इसकी फैक्ट्री में आग लग गई, इसकी मदद कर दो, वो तो हमें करनी पड़ेगी। अरे पूरी जिंदगी हम ही मदद करेंगे इसकी, हैं? इसलिए पाल पोस का बड़ा किया हमने इसे कि हम मदद करते रहेंगे। अरे हमने तो इसलिए करा कि हमारी सेवा करेगा, ये उल्टी अपनी सेवा हमसे करवा रहा। वाह, मुझे एक लास्ट मौका दे दीजिए, आगे से दोबारा गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बेटा ऐसे कहने से कोई नहीं संभलता, इस दुनिया में जैसा होता है ऐसे का। मौसी तुम चुप करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में बोलने की? हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करो, अपना काम करो। देख रही पूजा किस तरह से बात कर रहा है ये, इसे बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है, और तू कह रही है इसकी मदद करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। बेटा झगड़ा मत करो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मौसी आखिर तुम हो कौन ऐसे बोलने वाली? मैं कौन हूँ ये तो सब जानते हैं, तुम अपनी बात करो मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है पिताजी, अगर आप बोल रहे हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ। जूही जाओ अंदर, मौसी को बुलाकर ले आओ। देख राहुल थोड़े संस्कार सीख ले, माँ बाप कभी भी गलत नहीं कहते हैं अपने बच्चों को, उनकी भलाई के लिए कहते हैं जो कहते हैं, पर तेरी भलाई है इसमें। बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, अदब से किस तरह से रहना चाहिए, ये सब तुझे सीखना होगा। मैं हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं बैठा रहूंगा। पापा मौसी तो अंदर है ही नहीं। अंदर नहीं है, कहाँ चली गई? अरे अंदर ही होगी, उन्हें ठीक से देखा नहीं होगा। चलो हम सब देखते हैं। चलो अंदर देखो।
सारे घर में देख लिया, कहीं नहीं दिखा। पूजा, हमने सारा घर देख लिया, हमें कहीं नहीं दिखाई दी वो। बस फोन करा किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे ये क्या, हमें समझ गए, साक्षात माता रानी हमारे घर में आई थी। हाँ हाँ पूजा, माता रानी ने तेरी सेवा की और हम माता रानी को पहचान नहीं पाए। कितने दुर्भाग्यशाली हैं। माता रानी हमारे घर? हाँ बेटा, साक्षात माता रानी हमारे घर में आई थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। माँ तुम ठीक कैसे हो गई? तुम तो बिल्कुल सही सलामत लग रही हो और तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तू ठीक हो गई? जय माता रानी, जय माता रानी, सब पर कृपा बनाए रखना माँ। हमसे जो भूल हुई है हमें माफ कर देना माँ, हमें माफ कर दे। जय माता रानी, अब मैं समझ गया मेरी फैक्ट्री में आग क्यों लगी। ये अनुभव मेरे साथ जो हुई है बिल्कुल गलत हुआ है। हे माता रानी, जो कृपा तूने मुझ पे की मेरे बच्चों पे भी कर दे। इन पे गलती हो गई, इनकी गलती को माफ कर दे माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम अपने परिवार से ही आपके दरबार, आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं माँ। चलो, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, हमारे बच्चों को जीवित बनाए रखो। और चलो, चलो हम सब साथ चलते हैं। जय माता, जय माता, जय माता।